हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 7 सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। टाइम अलाउड 2.5 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स 60। तो कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन 12 मार्क्स, एंड सेक्शन सी ग्रामर 14 मार्क्स, सेक्शन डी रहेगा लिटरेचर सेक्शन 18 मार्क्स। सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन दिया गया है, जिसमें आपको एक पैसेज दिया गया है जिसको आपको केयरफुली रीड करना है, और फिर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स आपको करने हैं। व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। व्हाट आर टाइम टेबल्स? द एल्फ शिक्ड, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, एल्विस नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट्स मिस्ट्री। तो ये आपको पैसेज दिया गया है। वॉट वॉज पैट्रिक इशू विद मैथ्स? तो पैट्रिक का इशू क्या था मैथ्स के साथ? ही वॉज आउट ऑफ लक, यानी उसको वो समझ नहीं आता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एल्फ सेड वी नेवर नीडिड दैट, वॉट वॉज दैट थिंग? तो वो क्या थिंग है? दैट इज टाइम टेबल्स। इसमें दिया गया है वी नेवर, वॉट आर टाइम टेबल्स? द एल्फ शिक्ड, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। उसके बाद Who needed to guide elf? तो इसमें क्या आ जाएगा? पैट्रिक आ जाएगा। एल्फ्स एल्विस नो डैश अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री, तो इसमें आ जाएगा नथिंग। व्हाट इज़ द एल्फ्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ह्यूमन मैथ्स कॉन्सेप्ट? तो वो क्या था? कन्फ्यूज था। नेक्स्ट देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। महेंद्र सिंह धोनी इज़ अ फेमस क्रिकेटर, ही वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। धोनी इज़ नोन फॉर हिज एक्सेलेंट विकेट कीपिंग स्किल, ही इज़ ऑल्सो ए हार्ड हिटिंग बैट्समैन। धोनी लेड इंडिया टू विन मैचेज एंड टूर्नामेंट्स, ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम। तो आंसर रहेगा, क्वेश्चन जो दिए गए हैं, हु इज़ महेंद्र सिंह धोनी, तो क्या है? ए फेमस क्रिकेटर। उसके बाद वॉट वॉज धोनी रोल इन द इंडियन क्रिकेट टीम, तो वो कौन था? कैप्टन था। वॉट इज़ धोनी नोन फॉर बिसाइड अ हार्ड हिटिंग बैट्समैन? तो एक्सीलेंट विकेट कीपिंग स्किल्स। वॉट इज़ धोनी बैटिंग स्टाइल? तो हार्ड हीटिंग स्टाइल था। वॉट डिड धोनी लेड इंडिया टू अचीव? विन मैनी मैचेज एंड टूर्नामेंट्स। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है। आई लव माई पैट डॉग, ठीक है, वर्ड लिमिट 60 to 80 रहेगी, तो आप ईजिली इसको लिख सकते हो। माई फेवरेट कॉर्नर इन माई स्कूल। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ द वर्बल विजुअल इनपुट गिवन बिलो। तो आपको जो है यहाँ पर ये इस तरह से दिया गया है, या तो आप वर्बली जो लिखा गया है इसके बेस पे स्टोरी बना सकते हो, या आप जो विजुअली देख पा रहे हो, ठीक है, इसके बेस पे आपको स्टोरी बनानी है। तो यहाँ से जो आपको वर्बल दिया गया है वो स्टोरी यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो। वंस अ लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, अ लिटिल माउस रैन ओवर हिम बाय एक्सीडेंट, वॉकिंग हिम एप अप। द लायन कॉट द माउस इन हिज बिग पॉ, ठीक है, उसने उसको अपने पंजों में पकड़ लिया। द माउस वॉज स्केयर्ड एंड थॉट दैट लायन वुड ईट हिम, और उसने सोचा कि लायन जो उसको खा जाएगा। बट द लायन वॉज काइंड एंड लेट द माउस गो, उसने उसको जाने दिया। ए फ्यू डेज लेटर द लायन गॉट ट्रैप्ड इन हंटर नेट, हंटर की नेट में वो जो है ट्रैप हो गया। ही ट्राई टू एस्केप बट कुडंट, द माउस हियर्ड हिज रोर्स एंड रश टू हेल्प। द टीनी माउस चूड थ्रू द रोप्स एंड सेट द लायन फ्री, और उसने उस लायन को क्या किया? फ्री करवा लिया। The lion was happy and thanked the mouse. They become good friends and the lion learned that even small friends can do big things. ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टोरी जो है वो फॉर्म कर लेनी है। उसके बाद देखिए, सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, तो इसमें एनी फोर करने हैं। द कैट डैश स्लीपिंग ऑन द बेड, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द बेड। आई डैश डूइंग माई एग्जाम राइट नाउ, आई एम डूइंग माई एग्जाम राइट नाउ। दे डैश प्लेइंग सॉसर इन द पार्क, दे आर प्लेइंग सॉसर इन द पार्क। वी डैश पेंटेड द वॉल, वी हैव पेंटेड द वॉल। द सिटी डैश फाउंडेड इन 1776, द सिटी वॉज फाउंडेड इन 1776। उसके बाद है क्वेश्चन 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। द रूम इज क्लीन बट गार्डन इज डर्टी, तो इसमें क्या आ जाएगा? क्लीन का ऑपोजिट क्या आ जाएगा? डर्टी। द डोर इज क्लोज्ड एंड विंडोज आर ओपन। आई हैव ओल्ड बुक्स, शी लव न्यू। ओल्ड का जो एंटोनिम है ऑपोजिट वो क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। द केक इज स्वीट इन टेस्ट नॉट बिटर, तो बिटर का क्या हो जाएगा? स्वीट। इन डेजर्ट द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड, तो कोल्ड का ऑपोजिट हॉट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल. तो ए एन दी इस तरह आर्टिकल आपको फिल करने हैं और जहाँ आर्टिकल नहीं है वहाँ आपको क्रॉस लगा देना है. तो शशि इज़ अ गुड डांसर, इसमें अ आ जाएगा. ठीक है, तो हम वॉवल की साउंड देखते हैं. ए ई आई ओ यू अगर साउंड है तो एन आएगा, नहीं तो अ आएगा. द ताजमहल इज़ एन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, तो स्पेशल ताजमहल के बारे में बात की जा रही है तो द आ जाएगा. आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो इसमें आई में ई जो है किसकी साउंड आ रही है, यहाँ पे ए ई आई की साउंड आ रही है ना, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग ई की साउंड आ रही है, ए ई आई ओ यू, तो इसमें एन आ जाएगा. फिल्म सिटी सिचुएटेड इन, तो यहाँ पे जो है कोई वॉवल कोई आर्टिकल नहीं आएगा तो इसमें हमने क्रॉस लगा दिया. नेक्स्ट देखिए, मैच द सेंटेंस इन कॉलम विद इट्स करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन कॉलम बी, तो इसमें आ जाएगा डू यू वॉन्ट टू कम विद मी, डू यू वॉन्ट टू कम विद मी, तो इसमें क्वेश्चन है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. आई एम राइटिंग फॉर यू फुल स्टॉप, माई सिस्टर लाइक डांसिंग लाइक्स डांसिंग डैश सिंगिंग एंड स्केचिंग. ठीक है, ऑल द बेस्ट, इसमें क्या है एक्सक्लामेशन है तो इसमें एक्सक्लामेटरी साइन आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वुड यानी जंगल में, विच ही नेवर लेफ्ट. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द काइंड पुट एन ऑर्डनरी क्लोथ्स. तो जो राजा था वो बहुत ही सिंपल तरीके से हर्मिट से मिलना चाहता था, इसलिए उसने अपने घोड़े अपने जो शाही कपड़े हैं वो सब जो है वो पहन के नहीं गया था. तो वेयर डिड द हर्मिट लिव, हर्मिट कहाँ रहता था, इन अ वुड. किंग चूज टू वियर ऑर्डनरी क्लोथ्स टू लुक लाइक सिंपल पीपल. हाउ मेनी क्वेश्चन द किंग वॉज सीकिंग आंसर फोर, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा. रीड द फॉलोइंग स्ट्रेंजर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, एन ओवर कोट ऑफ ग्रे. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट. ही लाइक टू टीज एंड प्ले. चूज द करेक्ट ऑप्शन. हु इज रेफर टू एज ही हेयर, तो ही किसके लिए यूज किया गया, स्क्वायरल के लिए. What is the shape of its tail? तो question mark है. What does he like to do? तो tease and play आ जाएगा. Next देखिए, answer the following question in about 30 to 40 words. तो first question है, why did the king refuse to give reward to anyone? So as he got very different answer to these three questions, तो उसको बहुत different answer मिल गए थे. King was satisfied and therefore he choose not to give the reward to anyone. अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैड कंपेल द किंग टू लीव हिज गार्ड एंड हॉर्स बिफोर मीटिंग द हर्मिट. तो उसने हर्मिट से मिलने से पहले जो है वो ऑर्डनरी मैन की तरह गया, उसने सब कुछ छोड़ दिया, गार्ड हॉर्स सब कुछ. द किंग न्यू दैट हर्मिट मीट्स ओनली ऑर्डनरी मैन, राजा जानता था कि वो केवल ऑर्डनरी मैन से मिलता है. सो ही लेफ्ट बिहाइंड हिज हॉर्स एंड बॉडी गार्ड एंड वेंट टू मीट द हर्मिट इन हिज हट इन द वुड्स ऑल अलोन. इसलिए वो उससे मिलने जंगल में अकेले ही गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज़ द स्क्वायरल सिटिंग एंड व्हाट वाज़ ही डूइंग. सो द स्क्वायरल वाज़ सिटिंग ऑन द ग्राउंड, इट वाज़ ईटिंग नट्स वाइल सिटिंग ऑन द ग्राउंड. तो वो बैठ के नट्स खा रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हर्मिट रिप्लाई फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द किंग. फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई हर्मिट ने क्या दिया. सो द किंग फर्स्ट क्वेश्चन, द हर्मिट सेड दैट देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ. कि जो इम्पोर्टेंट है वो केवल अब का समय है, ना फ्यूचर है ना पास्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्क्वायरल लुक लाइक इन द पॉम. स्क्वायरल कैसे वो दिखती है. सो द स्क्वायरल वाज कवर्ड इन ग्रे फर, सिट इन एन अपराइट पोजीशन ऑन ए ट्री ब्रांच. हिज टेल लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ इट्स बैंड. तो उसकी जो टेल है वो किसकी तरह दिख रही है, उसकी टेल क्वेश्चन मार्क की तरह दिख रही है. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. क्लियर. तो स्टूडेंट्स, ये था कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं. फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब. और सारे ही कंप्लीट पेपर आपको मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट के पेपर आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिल जाएंगे. ठीक है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.